आदाब दोस्तों, कल आपको गौस पाक बाबा के चिल्ले का मंजर दिखाया था और मैंने कहा था कि कल आपको यहाँ के बारे में बताऊंगा। आज चांद की 11 तारीख यानी 11वीं शरीफ है, जो कि गौसुल आजम दस्तगीर का उर्स मुबारक है। यह महीना 11वीं शरीफ का महीना कहलाता है। यहाँ पर जो मज़ार है वो गौस पाक बाबा के मुरीद शन्ने शाह बाबा का है, जो कि बगदाद शरीफ से आए थे, क्योंकि गौस पाक बाबा कभी हिंदुस्तान आए ही नहीं थे। वो जो बाबा आए थे, साथ में गौस पाक बाबा के मज़ार की मिट्टी और ईंट साथ लाए थे, जो शन्ने शाह बाबा के साथ ही मज़ार में रख दिया था। ये देखिए, ये चिल्ले का अंदर का मंजर गौस पाक बाबा के। काफ़ी रूहानी मंजर यहाँ का। यहाँ पर जो मुराद पूरी होती है दरगाह शरीफ के अंदर, वो आकर यहाँ पर चिराग पेश करते हैं। ये देखिए, चिराग जलाते हुए जिनकी मन्नतें पूरी होती हैं, बच्चों की हंसली हो जाती है, वो उतारने के लिए भी यहाँ पर आते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ ये जो एक समाज है, यहाँ पर एमपी और राजस्थान के कुचिल से आता है, ये लोग अपने सारे फैसले यहीं आकर करते हैं। मैं यहाँ के बारे में यहाँ के मुतवल्ली साहब से आपको मिलवाता हूँ, वो आपको यहाँ के बारे में सब बतलाएंगे। ये तैयारी होती है आज की महफिल की। ये देखिए आप दोस्तों, हम गौस पाक बाबा के चिल्ले पे ऊपर आए हुए हैं और यहाँ के जो मुतवल्ली साहब हैं, अफसर साहब, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। मुतवल्ली साहब, आप बतलाएं गौस पाक बाबा के बारे में यहाँ पर। यहाँ पे मज़ार उनके मुरीद की है, नाम है शन्ने शाह बाबा। आप बगदाद से आए थे, तबरुकात और ईंट वहाँ की ले गए, इसलिए गौस पाक के चिल्ले के नाम से दगा मशहूर है और यहाँ 11वीं शरीफ में ही उर्स होता है। ये आज जो रात को अभी महफिल है, ये अभी और ये 2-3 दिन होती है, चांद की 9 तारीख को, चांद की 10 तारीख को और 11 तारीख को रस्मात के साथ कुल के साथ सब अदा कर दिया जाता है। ये आप कितने साल से यहाँ पर खिदमत गुजारी कर रहे हमारी हैं? पीढ़ी हो गई करीब, हमारी 20वीं पीढ़ी चल रही है, करीब 400 साल हो गए। अफसर साहब, यहाँ पर आकर मुझे बड़ा अच्छा लगा और आपसे मुलाकात होकर बहुत अच्छा लगा। मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा। अभी आप महफिल में जा रहे हैं, इंशाल्लाह ताला फिर कल मुलाकात करते हैं बिल्कुल आपसे। इंशाल्लाह। ये मुतवल्ली साहब महफिल की सदारत करने जाते हुए। दोस्तों, कल से मैं आपको जो कि राजस्थान का कश्मीर कहलाता है, उस जगह लेकर जाऊंगा। आप बतलाएं कहाँ लेकर जा रहा हूँ, वहाँ की खूबसूरत वादियाँ आपको दिखाऊंगा। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरी नई डेस्टिनेशन आप आराम से देख सकें। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई डेस्टिनेशन के साथ। इन